गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं बेटा आप लोग? देखिए, वीडियो नंबर 46 हम आज करेंगे क्लास थर्ड में, एक्सरसाइज 3.7 स्टार्ट करेंगे। तो इसमें हम लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चंस हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको आज बता देती हूँ, बाकी के क्वेश्चंस आप देखिएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन, इन दिल्ली बुक फेयर बुक सेलर सोल्ड 437 बुक्स ऑन द ओपनिंग डे एंड 149 फ्यूअर बुक्स ऑन द नेक्स्ट डे। हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड इन द नेक्स्ट डे? फ्यूअर, यहाँ कहा गया है आपसे कि एक बुकों का मेला लगा, बुक फेयर है ना, पुस्तक मेला जिसे आप कहेंगे। उसमें पहले दिन इतनी किताबें बिक गई, दूसरे दिन इतनी कम किताबें बिकी पहले दिन से, मतलब पहले दिन जितनी बिकी थी उससे 149 बुक्स कम बिकी थी सेकेंड डे। तो सेकेंड डे बिकी कितनी थी देख लीजिए, आप इजीली कर सकते हैं। भाई, पहले दिन जितनी बिकी थी उससे 149 कम बिकी थी, यानी कि दूसरे दिन जो बिकी हैं वो कितनी बिकी हैं? 288। सब्ट्रैक्शन में हमें दिक्कत ही नहीं है, 7 में से 9 हमें जो है नहीं जा सकता तो कैरी लेंगे, 17 में से 9 गए तो बचे 8, यहाँ 3 की जगह कितना रह जाएगा? 2। 2 में से 4 लेस नहीं हो सकते ना, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से इसे 12 कर लेंगे, 12 में से 4 गए बचे 8, और यहाँ पर 4 की जगह कितना हो जाएगा? 3। 3 में से 1 गया, कितने बचे? 2। यानी कि नेक्स्ट डे जो बुक्स सेल हुई वो कितनी हुई? 288। ठीक है बेटा, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 आप कीजिएगा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताऊँगी, 4 आप कीजिएगा, 5 बताएंगे। इस तरह से करके हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे, जिससे आप लोगों को गाइडेंस भी प्रॉपर मिलेगा और आप लोगों को करने के लिए भी बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, थर्ड देखिए, सिनेमा हॉल के अंदर टोटल इतनी सीट्स हैं जिनमें से 697 लोग जो हैं वहाँ पर बैठे हैं देखने के लिए, तो कितनी सीटें खाली रह गई? तो देखिए, टोटल सीट है 985 और लोग आए हुए हैं 697, तो यहाँ पर भी 288 जो है वो सीटें खाली रह गई हैं। कैसे? 5 में से 7 लेस नहीं होगा, 15 में से करें, 15 में से 7 लेस किया तो बचा 8, यहाँ है आपका 8 की जगह रह जाएगा 7, 7 में से 9 लेस नहीं होंगे तो यहाँ पे 17 में से 9 लेस किया तो बचा 8, 9 की जगह हो गया 8 और 8 में से 6 गए बचे 2। ठीक है बेटा, इस तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द सम बिटवीन द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। देखिए, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होगी? 9999, और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और इन दोनों के बीच का डिफरेंस जब आप निकालेंगे तो लेस कर दीजिए, तो बिल्कुल सिंपल सा डिफरेंस है, 8999 जो है इसका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है? इसके बाद बेटा आप देखिए क्वेश्चन नंबर 7, दो संख्याओं का योग इतना है, सम इतना है, जिनमें से पहली संख्या ये तो दूसरी संख्या क्या होगी? सीधा सीधा सब्ट्रैक्ट करते हैं हम ऐसे क्वेश्चंस में, सम दिया हुआ है, पहली संख्या दी हुई है, तो पहली संख्या को ना माइनस कर दीजिए सम में से, तो सेकंड नंबर भी निकल आएगा, तो टोटल जो सम है वो ये रहा और जो वन नंबर है वो ये रहा, तो आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर? वो हो जाएगा सेकंड नंबर। सब्ट्रैक्ट करने का वही तरीका है, 2 में से 1 लेस तो 1 बचा, 4 में से 3 लेस किया तो 1 बचा, 5 में से 5 गए बचे 0 और 9 में से 4 गए बचे 5। क्लियर है? इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, बाय हाउ मच इज 4129 ग्रेटर देन इतना, मतलब 3017 से कितना बड़ा है 129, कितना बड़ा है? तो लेस करके देख लीजिए, पता चल जाएगा कि ये जो है कितना बड़ा है इससे, तो कितना बड़ा हो जाएगा? 1112, यानी कि 1112 इतना बड़ा हो जाएगा ये वाला नंबर। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको करने हैं सारे, जो मैंने कराए हैं वो भी, और जो नहीं कराए हैं वो आपको करने हैं CW में अपनी में। ठीक है, तो थैंक यू।